there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रूपेश और आप देख रहे हैं आर्यन इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एलजी कंपनी का CRT टीवी आया है। इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसे लाइन देते हैं और इसके वोल्टेज चेक कर देते हैं। सबसे पहले हम 110 वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा 121 वोल्टेज हमें मिल रहा है और यहाँ पर हमारा 10 होन का वोल्टेज हमें 10 वोल्ट के सप्लाई भी मिल रहा है और ये 10 वोल्ट हमारा इस 4 पिन ट्रांजिस्टर के पिन पर हमारा हमें मिल रहा है। आउटपुट पर हमारा कोई वोल्टेज नहीं है और ये स्टैंड बाय इंडिकेटर भी हमारा ऑन नहीं है। यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसी प्रॉब्लम को हम आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। इस कंडीशन में हम सबसे पहले इस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्टेज का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस पर भी हमारा कोई वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है और ये 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और इस कंडीशन में हम सबसे पहले इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे, तो उसके लिए हम इस सिस्टम आईसी पर आपको दिखा देता हूँ। ये 3.3 वोल्टेज की पिन है, यहाँ पर भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। 33 नंबर की पिन है ये, यहाँ पर भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है और एक 14 नंबर की पिन, ये भी 3.3 वोल्ट की पिन है, इस पर भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और हम आपको इसी फॉल्ट को चेक करेंगे। ये हमारा ग्राउंड के साथ में है और अब हम इसे बंद कर देते हैं और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लाएंगे। और अब हम सबसे पहले इस 3.3 होल को शॉर्टिंग चेक करेंगे। ये देख पा रहे हैं आप, ये इसका शॉर्टिंग चेक करने का सबसे आसान तरीका है। आपको ये कभी नहीं बताया होगा, ये 3.3 का 33 नंबर का ये आपको दिख भी रहा है, ये शॉर्टिंग है, ये बदर मोड का आवाज़ भी आपको आ रहा है, ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। 14 नंबर पिन, यहाँ पर भी हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसी 3.3 वोल्ट को हम फॉलो करेंगे
ये, यहाँ पर भी ये जिंदा डायोड लगा हुआ है, इसे भी हमें बाहर निकल के चेक करना है कि हमारा ये शॉर्टिंग है क्या। कभी कभी ये जिंदा डायोड शॉर्ट होने से हमारा सेट ऑन नहीं होता है और स्टैंड बाय मोड पे रहता है, और हमारा ये इंडिकेटर पर भी कोई वोल्टेज हमें नहीं मिलता है। और ये मेमोरी आईसी, इस मेमोरी आईसी पर भी हमारा शॉर्टिंग बता रहा है। अभी आपको इसी लाइन को एक एक सप्लाई को इस यहाँ पर इस आईसी पर हमारा तीन पिन पर 3.3 वोल्ट हमें देखने को मिलता है। एक 33 नंबर पिन पे, एक 40 नंबर पिन पे, 40 के बाद 41, 42, 43, ये तीन हमारे 3.3 होल्ड की सप्लाई है जो कि शॉर्टिंग है। मैंने एक दो तीन तीन ही सप्लाई ओपन करके देखा है, ऐसी हमारी शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग हमारा ये ट्रैक जा रहा है इस मेमोरी आईसी पे, और मेमोरी आईसी के पिन नंबर 1 पर हमारा एक रजिस्टर का जम्पर लगा हुआ है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये जम्पर हमारा ग्राउंड के साथ में एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर ग्राउंड के साथ में शॉर्ट होने के कारण ही हमारा टीवी स्टैंड बाय मोड पे शॉर्टिंग बता रहा है। अब आपको मैं इस रजिस्टर को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने इसे ओपन कर दिया है, और अब हम इस 3.3 वोल्ट के सप्लाई पे शॉर्टिंग चेक करेंगे। देख पा रहे हैं आप, अब हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है। देख पा रहे हैं पिन नंबर 3.3 33 नंबर पिन है आईसी की, और यहाँ पर भी हमारी शॉर्टिंग नहीं है। इस रजिस्टर शॉर्ट होने के कारण ये हमारा ग्राउंड के साथ में शॉर्टिंग दिखा रहा था, इसे ओपन करने के बाद। अब हम इसे लाइन देकर इसे चेक कर देते हैं। अब हम सबसे पहले इसे लाइन देते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारा अब ये इंडिकेटर भी ऑन हो गया है। इंडिकेटर भी हमारा ऑन हो गया है, और अब आपको इस मेमोरी आईसी पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर भी हमारा 3.3 वोल्ट हमें मिल चुका है, और आईसी के 33 नंबर पिन पर भी हमारा 3.3 वोल्ट आना चाहिए, ये भी हमारा बन गया है। और यहाँ पर ट्यूनर पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए,
यहाँ पर भी हमारा 5 वोल्ट अभी हमें मिल रहा है, और ये टीवी भी हमारा ओके हो गया है। अब मैं आपको इससे पिक्चर दिखाता हूँ, ऑडियो वीडियो जॉक लगाता हूँ। हमारे केस पर हम हमारा 118 सप्लाई 200 वोल्ट हमें मिल रहा है, और ये हमारा टीवी भी ऑन हो गया है। अब हम इसे ऑडियो वीडियो लगा के आपको दिखा देते हैं, देख पा रहे हैं आप? ओके हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें।